अजमेर जिला, यह जिला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक अजमेर जिला के नाम से जाना जाता है। अजमेर जिला राजस्थान के मध्य भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से मिलती है। अजमेर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस अजमेर शहर में मौजूद है और अजमेर जिला होने के साथ साथ अजमेर मंडल का हेडक्वार्टर भी है और अजमेर जिला अजमेर मंडल के ही अंतर्गत आता है। अजमेर जिला की स्थापना सन 1113 ईस्वी में हुई थी। अजमेर जिला के पड़ोसी जिले का नाम टोंक जिला, भीलवाड़ा जिला, नागौर जिला, राजसमंद जिला, पाली जिला और जयपुर जिला है। अजमेर जिला में 9 तहसील, 8 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 8 विधानसभा और 1123 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो अजमेर जिले का कुल क्षेत्रफल 8480 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अजमेर जिला की कुल आबादी 25,83,000 है। इस 25,83,000 में पुरुष और महिला दोनों शामिल है। अजमेर जिला का औसत लिंगानुपात 951 के करीब है, यानी कि अजमेर जिला में 1000 पुरुष पर 951 महिला हैं। अजमेर जिला के मुख्य नदी का नाम सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 135 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 410 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला के माध्यम से कई ऐसे छोटे बड़े सड़क गुजरते हैं जो आगे चलकर बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 8 गुजरती है, जो आगे चलकर राजस्थान के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। अजमेर जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गाँवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो अजमेर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अजमेर रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म शामिल है और इसका स्टेशन कोड ALL है और अजमेर जंक्शन जयपुर अहमदाबाद लाइन, अजमेर चित्तौड़गढ़ लाइन पर स्थित है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अजमेर डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। अजमेर पूरे देश में मशहूर है क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का दरगाह शरीफ है। इसके अलावा पुष्कर झील, रतनगढ़, किशनगढ़, नसीराबाद, गोविंदगढ़, देवमोली, टोरगढ़ आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ का जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का दरगाह शरीफ है, जहाँ पर देश और विदेश से लोग आते रहते हैं। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व लॉ कॉलेज मौजूद हैं जो कि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। अजमेर जिला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम हैं SRKPC शासकीय कॉलेज, पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, सोफिया गर्ल्स कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, मायो कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज, आर्यन कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ये सभी अजमेर जिला में ही मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो अजमेर जिला में कई ऐसे प्राथमिक अस्पताल हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी मौजूद हैं जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। अजमेर जिला के मुख्य अस्पतालों के नाम अजमेर हॉस्पिटल, भारत हॉस्पिटल, जनना हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, मेवाड़ हॉस्पिटल, सरदना हॉस्पिटल आदि मौजूद हैं। दोस्तों, अजमेर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।